हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा डीसी मोटर इंटरफेसिंग क्या होता है और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डू डीसी मोटर सिमुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी देखी थी कि कैसे मोटर्स को आर्डिनो के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। आज हम वो प्रैक्टिकली करेंगे। तो टिंकर कैड में सर्किट बनाते हैं। इसमें हम सर्च करते हैं L293D और ऑल कंपनीज में देखेंगे। तो हमें एक आईसी मिलेगी जो मोटर ड्राइवर आईसी है, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। अब इस आईसी को हम प्लेस करेंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। तो ये ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। और ये आईसी को यहाँ बीच में रखते हैं। आईसी को ऐसे लगाने का रीजन ये है कि ये जो पिन है वो ये वाले के साथ कनेक्टेड रहेगा और ये नीचे वाली पिन है नीचे के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर हम एक ही साइड रखेंगे तो ये सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। तो ये अलग कर दिया। अब आता है इसका पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो पिन डायग्राम ये रहा। तो इसमें कैसा कि 4, 5, 12 और 13 ये चार ग्राउंड है और चारों को शॉर्ट कर देना है। तो ये 4, 5 ये जो डॉट है वहां से फर्स्ट नंबर चालू होगा। तो 1, 2, 3 और 4 तो ये 4 को 5 के साथ शॉर्ट कर दिया। फिर उसके सामने वाले ठीक ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। अगर आप माउस को ये पिन के ऊपर ले जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ग्राउंड लिखा हुआ है। एक ग्राउंड कर दिया। अब ये चारों को एक साथ शॉर्ट करना है। ये शॉर्ट कर दिया और ग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम लोग कॉमन ग्राउंड निकाल सके। अब क्या करना है, हमें आउटपुट चाहिए मोटर के लिए। तो 3rd नंबर और 6th नंबर की पिन आउटपुट में। तो 3rd और ये 6th output 1 और output 2 यहाँ पे लिख कर आ गया। तो हमें मोटर चाहिए, तो हमें हम लोग ये मोटर ले रहे हैं। ये मोटर में आप देख सकते हो रेड और ब्लैक कलर के दो अलग कलर लिखे हुए, लेकिन हम डीसी मोटर में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। आप जो भी टर्मिनल में कनेक्ट करोगे वो उस हिसाब से मूव करेगा। तो ये एक टर्मिनल को मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ 3rd नंबर की पिन के साथ, ये 6th के साथ। इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, इसे भी ब्लैक और इसे भी ब्लैक। अब क्या करना है, 8th नंबर के पिन को हमें 12 वोल्ट सप्लाई देना है, यानी बैटरी सप्लाई करनी है ठीक है मोटर के लिए। तो बैटरी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी को यहाँ लगा देना। अब इसमें जो रेड कलर है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ इसके साथ। और क्या क्या है कि ये जो 8 नंबर की पिन है वो पावर सप्लाई के लिए। तो ये इसको यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इसको मिल गया। अब क्या क्या है, एक एनेबल पिन है, फिर दूसरी है इनपुट और थर्ड इनपुट 2। ये आर्डिनो के साथ कनेक्ट होगा। तो आर्डिनो
आर्डिनो यहाँ रख देते हैं। इसे रोटेट कर देते हैं ताकि पिन को इजीली कनेक्ट कर सके। तो ये जो इनपुट पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसके जो स्पीड कंट्रोलिंग है वो मेन होता है एनेबल पिन से, तो एनेबल को हमें पीडब्ल्यूएम में लगाना है, बाकी दो कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये इनपुट पिन को हम कनेक्ट करते हैं 4 के साथ। इनपुट 2 जो है वो कनेक्ट करते हैं 5 के साथ, और एनेबल पिन को कनेक्ट करते हैं 6 के साथ। तो ये कनेक्शन हो गया हमारा। अब ये जो VSS है, 16 नंबर की पिन, वो IC के लिए पावर सप्लाई है, तो ये हमें कनेक्ट करना होगा 5 वोल्ट के साथ। तो ये जो पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके पावर सप्लाई के साथ। और ये ग्राउंड को हमें कॉमन करना है, तो ये ग्राउंड आर्डिनो के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कॉमन ग्राउंड हो गया। कोडिंग, तो अब कोड लिख देते हैं और यहां से न्यू। ठीक है, मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे पिन नंबर को डिफाइन करने से हम लोग प्रोग्राम को इजी कर सकते हैं। अगर डिबग करना हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमें डिबग करना आया, तो हम पिन नंबर ही लिखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग पिन नंबर के साथ एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये वेरिएबल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर, वो हमें पता चले। तो डिफाइन मोटर 1 1, मोटर 1, और वो 4 के साथ कनेक्टेड। फिर डिफाइन मोटर 2, वो 5 के साथ कनेक्टेड है, और एनेबल 6 के साथ। पिन डिफाइन करनी होगी तो पिन मोड M1 कोमा आउटपुट। पिन मोड M2 आउटपुट, यहाँ पे सब कुछ आउटपुट ही है। ठीक है, एनेबल को भी आउटपुट। अब लूप में आ जाते हैं, तो प्रोग्राम डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, हमें रोटेट करवाना है। ठीक है, तो डिजिटल राइट M1 कोमा हाई। अब एक मोटर में क्या होता है, एक हाई किया तो दूसरा लो करना पड़ेगा, तो ये सेकंड वाला लो कर देते हैं। तो ये कोई एक डायरेक्शन में घूमेगा। अब PWM हमें डिफाइन करना है, तो एनेबल पे करना है। और PWM कैसे डिफाइन करते हैं, एनालॉग राइट से। एनेबल को हमने दे दिया 255, ये फुल स्पीड पे घूमेगा। तो पहले देख लेते हैं ये क्या कर देते हैं हमें। यहाँ पे कोड एडिटर में जाते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो मोटर है ये घूम रही है ये डायरेक्शन में, तो ये एक डायरेक्शन में घूम रही है। अभी इसके RPM कितनी है, 1650। अब इसका डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं,
यानी M1 को लो करते और M2 को हाई। अभी जो माइनस था वो हमें डायरेक्शन बता रहा था, अब ये यहाँ पे नेगेटिव साइन चला गया यानी अब डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अभी स्पीड है 16530, तो अब स्पीड कम करते हैं। अभी ये फुल स्पीड पे था तो एनेबल को हम लो कर देंगे 150, तो आप देख सकते हो स्पीड काफ़ी कम हो गई है, 9600 9700 ये स्पीड पे घूम रही है अभी। ठीक है, इसी तरह से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो सिर्फ डायरेक्टली हम लोग मोटर कंट्रोल कर रहे थे, अगर कुछ इवेंट होता है यानी अगर बटन प्रेस हुआ तब मूव होना चाहिए, अगर कुछ मतलब फंक्शन आया यानी कुछ हुआ मतलब कुछ सेंसर ने सेंस किया तब मूव करना चाहिए या रुक जाना चाहिए तब हम रुका सकते, ऐसा कुछ करना है तो हमें जो भी फंक्शन है मतलब अगर बटन यूज़ कर रहे तो मैंने पुश बटन का बताया था, पुश बटन के साथ LED कनेक्ट करके दिखाया था, तो जैसे पुश बटन में के साथ LED किया था वैसे ही इसके साथ हम कर सकते हैं कनेक्ट मोटर को भी। तो हम इसके साथ सेंसर भी लगा सकते हैं यानी अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो अगर कुछ ऑब्स्टेकल आया तब यह रुक जाना चाहिए, अगर कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है तो रन होना चाहिए, या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग कंट्रोल कर सके मोबाइल। तो इस तरह से हम मोटर्स को कंट्रोल करवा सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ब्लूटूथ या कोई भी अलग अलग टाइप के सेंसर्स कनेक्ट करके उसकी वैल्यूज लेना और मोटर के साथ इंटरफेस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू डू डीसी मोटर सिमुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ब्लूटूथ डीसी मोटर इंटरफेसिंग।